गुड मॉर्निंग सर्वोदय नमस्कार डियर स्टूडेंट, दिस इज महसे हियर। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 फ्रॉम बीएससीबी सेक्शन पनोरमा सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट। बिफोर टेलिंग यू द स्टोरी आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट द राइटर, इट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। You can see over here on the board, the present writer is John Lexo. It means John Lexo is a writer from American section that has been written many and more lessons for children, and she is known for the children books. But in this lesson you have to study about ecology. Here you can see the word ecology, it means the relation between human living and non-living thing is known as ecology. According to the definition, you can say the man's relation between living and non-living thing is called ecology. बाकी तो मैं आप समझते हैं ecology का मतलब हमने आपको समझा दिया। इसको हिंदी में पारिस्परिक भी कहते हैं, दूसरे वर्ड में अपने लैंग्वेज में इसको एनवायरनमेंट पर्यावरण से रिलेटेड वर्ड भी कह सकते हैं। जानते हैं लेक्सोस के बारे में। लेक्सोस का जन्म 1961, she began working as a freelance writer, and then she has received the Child Study Association Children Books Award in 1962 and even Simon Children Books Award in 1971. Some of her work has appeared under the pseudonym John Lonson or Mary Shea. आगे पढ़ेंगे मी एंड इकोलॉजी बीट को क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे हम इसके बारे में आपको, किस लेसन में आपको पढ़ना क्या एक्चुअली, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रेजेंट लेसन। थीम क्या है कि हमें हमारी इकोलॉजी को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। कैसे बचाना है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन बचाने की कोशिश कोई भी नहीं करते हैं। आपको इस लेसन में यही सेम चीज पढ़ना है कि राइटर लोगों को उपदेश देते हैं कि हमें हमारी इकोलॉजी, हमें हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है, उसको बचाव करना है, लेकिन माय डियर ये जो राइटर है खुद इस काम को नहीं करते। जैसा आपने हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी पढ़े हैं कि उपदेश देना आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों को उपदेश देना बहुत आसान है और उस पर खुद काम करना बहुत मुश्किल होता है, ये लेसन आप यहाँ पढ़ेंगे। Here, John Lexus present lesson. Me and the ecology bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is very everybody's concern and difficult to solve. बताया जा रहा है according to the writer's word, कह रहे कि इस present lesson में हमारी ecology एक बहुत बड़ा issue है जिसको preserve करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। जिस एनवायरनमेंट में हम जीते हैं उस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना हमारा ही काम है, ये बात सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी लोग 80-90% ऐसे लोग हमारे आसपास पाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर कुछ लोग उसके लिए करते भी हैं उसको बड़ा भला लोग कहते हैं। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। Here the writer is saying you that लोगों को कन्विंस करना आसान है, उपदेश देना आसान है,
लेकिन खुद उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जैसा आप लोगों ने बचपन में भी स्टोरी सुना होगा गांधी जी वाली, गुड़ खाने वाली, चीनी खाने वाली, वो दोबारा स्टोरी सुनाएंगे थोड़ा ना, ऑलरेडी मालूम है। तो लोगों को उपदेश देना आसान है, उस पर अमल करना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि लोगों को इकोलॉजी के बारे में बताना आसान है, लेकिन उस पर काम करवाना, उस रूल के अकॉर्डिंग जाना बहुत मुश्किल होता है। और ये सारा लेसन आपको इसमें पढ़ना है। इसके आगे आप पढ़ेंगे जो आपको कुछ स्लोगन्स नजर आ रहे हैं पेज पर, ये स्लोगन्स आप देख सकते हैं। स्लोगन में लिखे हैं सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड आपकी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि आपके इस प्लान लेसन में कौन कौन से स्लोगन दिए गए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान में रखें। इस सारे स्लोगन्स को आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे लेसन में जाएंगे, राइटर क्या कहना चाहते हैं इस लेसन से। लेकिन लेसन में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं ओरली ऐसे ही बताता हूँ और आपको उसको सॉल्व कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्चुअली ये तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन बेस्ड टू द सिलेबस, बेस्ड टू द लेसन, बट यू शुड क्रिएट और यू शुड आंसर इट बाय योरसेल्फ। आपका क्या थिंकिंग है, आपका क्या थॉट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बस राइटर या एग्जामिनर यही जानना चाहेंगे। क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोगन, रीड आउट अलाउड। आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से स्लोगन ऊपर थे, उसको जोर जोर से पढ़िए। ओके, सेकंड नंबर, व्हाई आर दीज स्लोगन्स डिस्प्ले, इस जो स्लोगन उस पर में डिस्प्ले किए गए थे वो क्यों किए गए। ऑब्वियसली सी बात है, जब लोग बच्चे या लोग कोई भी स्लोगन लेकर रोड पर जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है लोगों को अवेयर कराते हैं, उस क्रिटिकल प्रॉब्लम से अवेयर कराते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, हमारे अर्थ को बचाना चाहिए, हमारे पेड़ को बचाना चाहिए, एक्सेट्रा। एट द चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस स्लोगन्स, व्हाई। अगर आपको वो स्लोगन्स पसंद है तो क्यों पसंद है ये बताना पड़ेगा, क्यों पसंद है। क्योंकि ये जो हमारा जीवन, हमारा जीवन जीने का आधार क्या, बेस क्या, उसी बेस पे तुम जीते। हमारा एनवायरनमेंट अगर सही है तभी हम अपना जीवन जी पाएंगे, अदरवाइज लाइक इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। At the fourth number, have you ever displayed such slogan or participated in any seminar or ecology presentation? Yes, हम लोगों ने स्कूल में ऐसे ही किया है, हमारे स्कूल के बच्चे भी जनरली ऐसा करते हैं। साल में एक दो बार तो रोड पे निकल ही जाते हैं अबाउट इकोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड स्लोगन लेकर, सेव द ट्री, सेव द वाटर, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर आप लोगों ने किया है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों किया है, वो ऑलरेडी आपको मालूम है। चलते हैं लेसन में। लेसन, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर लोगों को इकोलॉजी के बारे में जागरूक करना बहुत मुश्किल काम है। अकॉर्डिंग टू दैट मी माई सेल्फ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द पीपल शुड नॉट अवेयर अबाउट दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। रोड पे जब बच्चे निकलते हैं स्लोगन्स लेकर तो कुछ लोग उसका हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, पता नहीं स्कूल वाला पागल हो गया, कैसा कैसा काम करवा। लेकिन लोगों को जागरूक करना माई डियर जरूरत है, ये जरूरी है हमारे आज के सोशल को। अगर नहीं करेंगे तो सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो हमारा एनवायरनमेंट तो ऐसे ही बर्बाद होता चला जाएगा। जैसे आज के क्रिटिकल कंडीशन में हम आप लोग रोड पे निकलते हैं मास्क लगा के, और आने वाले टाइम में अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को नहीं सुधारें तो माई डियर पीछे सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेंगे और फिर रास्ते चलेंगे, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही हमारे एनवायरनमेंट को बचा लेना चाहिए। जैसे हाल ही फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्री ने वो जल जीवन हरियाली वाली जो प्रोग्राम की थी, शायद इसी की, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को हमारे आसपास लगाया जाए वो हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ और सुरक्षित रखे। चलिए उधर चलते हैं।
Everybody is the favor of it, but nobody wants to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is lot of back talk. जो writer हैं, वो कह रहे हैं कि at least जब मैं लोगों को बताने जाता हूँ about preserve the ecology, लोग उसमें कुछ करने को विचार नहीं करते. लेकिन फिर भी मैं लोगों को जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और अपनी बात को रखता हूँ. कोई भी इस काम में इंटरेस्ट नहीं रखता है. Nobody wants to do about it anything. लेकिन फिर भी मैं कम से कम, राइटर कहते हैं कि मैं कम से कम इस काम को कर रहा हूँ, इसका मुझे पूर्ण संतुष्टि है. देन जब वो लोगों को अवेयर कराने जाते हैं डोर टू डोर, तो बदले में उनको बैक टॉक मिलती है. बैक टॉक मीन्स जब हमने मान लिया मी माई सेल्फ आई वेंट टू अ हाउस एंड देयर आई सेड टू द पीपल कि आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा मोटरसाइकिल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो इंसान जो उसको मैंने उपदेश दिया वो मेरे को भी बोल रहा है कि आप भी तो बहुत बाइक चलाते हैं, आप भी तो बहुत टेलीविज़न देखते हैं, आप भी तो बहुत म्यूजिक सुनते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है, पेट्रोल गैस भी वेस्ट होती है. ये सेम बात राइटर को बदले में सुनने को मिलता है. जब वो लोगों को अवेयर कराने जाते हैं तो राइटर को बदले में ये बात सुनने को मिल जाता है. Then after, I have this paper route my father had won when he was a kid, so he made me get one last year between it and my homework. इस पैराग्राफ में राइटर कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए. आई हैव दिस पेपर रूट. पेपर रूट में आप समझ सकते हैं, पेपर रूट मतलब कागज का कोई रास्ता तो होता नहीं. ऑब्वियसली सब कोई रास्ता नहीं होता, कागज का कोई रास्ता नहीं होता. कागज के रास्ते से मतलब यह राइटर का कि यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर डोर टू डोर होम टू. उनका काम था पेपर बांटना एक्चुअली, और वो काम उनको उनके पिताजी से विरासत में मिला था. एक साल पहले उन्होंने दिखाया यहाँ पे कि लास्ट ईयर आई हैव गॉट दिस प्रोफेशन फ्रॉम माय फादर. जब मैं बच्चा था एंड आई ऑल्सो यूज टू गो टू स्कूल दैट टाइम. अपना टाइम मिला था पेपर बांटने के बाद, जो हमारे पास टाइम बच जाता था उस टाइम के बाद मैं स्कूल भी जाया करता था. इवन एट दैट पीरियड बिटवीन इट माई होमवर्क ऑल्सो हैज टू डू एंड हार्डली आई हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ सम डेज गेटिंग ओनली अ फ्यू पीरियड्स. आप बताते हैं राइटर कि उनके पास पेपर बांटने के अलावा, स्कूल जाने के अलावा, होमवर्क करने के अलावा इतना टाइम नहीं मिल पाता था जिससे वो अपने आप को इंटरटेन करा पाते, अपने आप को क्रिकेट खिला पाते. बहुत कम टाइम बचता था, इसलिए वो कहते हैं कि आई हैव हार्डली वेरी फ्यू टाइम टू प्ले एन इनिंग विद द बॉल. है ना, बहुत कम इनिंग उनको खेलने को मिलता था. क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम की लैकिंग थी. चलिए आगे चलते हैं. बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन a good work for ecology. Like last Saturday morning, it was a good collecting day. It had just turned spring and lot of people were outside. इस पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं फिर भी वो सैटरडे को गैरबेज कलेक्ट करने के लिए डोर टू डोर जाया करते, और सैटरडे को उनके पास बहुत सारा गैरबेज इकट्ठा भी होता था. एंड लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे. बताते हैं कि सैटरडे का दिन एक बहुत ही कलेक्शन का अच्छा दिन होता है. उस दिन वो अपने सारे पेपर वालों से, जिसको जिसको पेपर बांटते हैं उसे गार्बेज इकट्ठा कर लेते हैं. एंड देन इट वॉज द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन. क्या है स्प्रिंग सीजन? लोग अपने अपने घरों के बाहर सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं. आप जानते हैं स्प्रिंग मौसम में पहले तो पतझड़ हो जाता है, पेड़ से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं, और उस नए पत्ते का जो मौसम होता है बहुत सुहावना होता है, बहुत प्लीजेंट होता है. और उसे प्लीजेंट मौसम को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं. लेकिन माई डियर, सुहावना पत्ता पेड़ जब देता है उसके पहले वो पुराना पत्ता छोड़ता भी है, और जब वो पुराना पत्ता छोड़ता है तो आसपास बहुत गंदगी लग जाती है पत्तों की.
आगे चलेंगे। I went to Mr. Williamson। सबसे पहले इसमें चार पांच क्या बोलते हैं कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर जिसको कहते हैं मेन कैरेक्टर, तो आपका जीम है, राइटर है। और उसके बाद इसके चार पांच सब कैरेक्टर है, उस सब कैरेक्टर में सबसे पहले ये जो राइटर है वो कहाँ जाते हैं, मिस्टर विलियमसन के पास, उनके घर जाते हैं। एंड एज यूजुअली ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम, बट आई सी हिम वॉन्डरिंग लिव्स इन द बैकवर्ड, सो ही इज स्टक, ही पेज मी एंड आई टेल हिम यू शुड बर्न ड्यूज लिव्स, इट्स बैड फॉर एयर एंड इकोलॉजी, should make a compost pile like we do, put the leaves into the garbage, stop and put for the garden। ये जो राइटर हैं अब मिस्टर विलियमसन को एक लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी मैं विलियमसन के घर जाता हूँ वो यह बहाना बनाने की कोशिश करते हैं कि वो घर पे नहीं है, लेकिन जब भी वो ऐसा करते हैं मैं उन्हें उनके पीछे वाले बैकयार्ड में उन्हें देख लेता हूँ। और उस टाइम भी मैंने उन्हें देखा कि अपने पीछे, अपने घर के पीछे उस इकट्ठे पुराने पत्ते को जला रहे थे। क्या कर रहे थे? जला रहे थे। जब वो राइटर जीन उनके पास पहुंचा और उस पत्ते को जलाते हुए जब देखा तो उनको मना किया, प्रिटेंड किया, यू शुड नॉट बर्न दिस टाइप ऑफ लीफ, यू शुड कंपोज द पाइल, मतलब आपको ये सारे पत्ते जमा करके रखना चाहिए, कंपोस्ट करके रखने चाहिए, और जब कंपोस्ट करने के बाद ये पुराने पत्ते सर गल के पृथ्वी में मिल जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे, तो वो एक मैनुअर का काम करेगा, यू नो खाद का काम करेगा, जो आपके बगीचों को फायदा देगा। इसलिए आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए, जलाने से इससे क्या निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। That is why you should not burn the leaf but compose it. Okay? हाँ, आगे चलेंगे next paragraph में। Next paragraph में writer क्या है? He doesn't agree or hang his head in shame. He says that compost pile is your job. अब ये जो विलियमसन को इस जीम नामक राइटर ने सलाह दिया, एडवाइस दिया या जो भी उपदेश दिया, उस उपदेश से ये जीम साहब अग्री नहीं है, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस विचार से अग्री नहीं हूं, अपने हेड को सेम में शर्मिंदगी पूर्वक झुकाकर उन्होंने ऐसा जवाब दिया और कहा कि क्या ये जो कंपोज करने वाली काम है ये तुम्हारा है कि नहीं, उन्होंने ऐसा ही किया, ये जो कंपोज करने वाली बात है ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। दैट इज व्हाई यू शुड कंपोज दैट टाइप ऑफ पाइल्स और गार्बेज एट होम, बट आई शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क। ओके, आगे चलिए। यस आई से प्राउडली व्हिच वुड शॉक द आईडिया आई हैड वर्किंग विद कंपोज व्हिच आई डू। अब ये जो यस वाली बात है, ये राइटर कहते हैं यस, बहुत घमंड से, बहुत प्राउड से कहते कि यस मैं इस काम को करता हूँ और मुझे इस काम को करने में कोई भी परेशानी, कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, मैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गार्बेज बिन को कंपोस्ट करता हूँ और इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं इस काम को कोई हेड वेट नहीं करता। मिस्टर विलियमसन सेज वेल्डर सॉरी वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ each layer, then we wouldn't have this nose pollution। अब ये कह रहे हैं मिस्टर विलियमसन, अच्छा तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा, बट मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि जितने भी लिटर और गार्बेज तुम इकट्ठे करते हो उसके टॉप पे एक मिट्टी की, एक धूल की लेयर डालो, मिट्टी की धूल की लेयर डालो कि जब भी थोड़ा सा हवा चलेगा वो धूल इधर से उधर कर उड़ जाएगा और फिर नोज में वो पॉल्यूट करेगा। क्या करेगा? नोज में पॉल्यूट करेगा, धूल उड़ उड़ के हमारे नाकों के सहारे नाक में जाएगा, हमारे फेफड़े में जाएगा और फिर हमें बीमार भी कर सकता। आगे चलेंगे इस लेसन में, कन्वर्सेशन क्या करता है। Here,
in the next. Oh, I say, you mean noise pollution? No, he says, I mean your compost smell of the whole street. अब ये विलियमसन साहब वो करते हैं और कहते हैं क्या कि मेरा मतलब नोज पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन से नहीं, वो कह रहे हैं कि जब कंपोस्ट को एक जगह इकट्ठा किया जाता है माय डियर, तो वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, और जब सड़ने गलने लगता है तो डॉट सा स्मेल देता है, डॉटी स्मेल देता है, और जब डॉटी स्मेल देता है तो हमारे नाकों को नापसंद होता है, हमारे नाक उसे स्मेल करना अच्छा महसूस नहीं करते। वही ये कह रहे हैं कि आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, पूरे गली को, पूरे सड़क को, पूरे रोड को गंदा कर देगा, उधर से आने जाने वाले लोगों को अपने नाक पे रुमाल रख के जाना पड़ेगा। इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कंपोस्टिंग में, मैं इसे जला देता हूँ और ये सब मिट्टी बन जाता है, राख हो जाता है, एंड देयर इज नो एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट स्प्रेड बाय द लिप्स। चलिए उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, जितना आपने अभी तक पढ़ लिया ऊपर में, जितना भी आपने पढ़ा उससे बेस्ड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब देना है। ओके, आर यू रेडी? यस, वेरी गुड। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। फर्स्ट वन क्वेश्चन ये है, पीपल इजीली गेट कन्विंस बाय जीन। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि जीन के द्वारा लोग आसानी से कन्विंस हो जाते थे अबाउट इकोलॉजी। नहीं, अभी अभी आपने पढ़ा कि जब भी वो लोगों को समझाने जाता था तो लोग उसे उल्टा ही समझाने लगते थे, इसलिए लोग जीन से बहुत आसानी से कन्विंस नहीं होते थे, इसलिए आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं। ओके, सेकंड नंबर, ही यूजेज पेपर रूट कन्विंस पीपल। ऑब्वियसली वह पेपर रूट के सहारे ही लोगों को कन्विंस करने जाया करते थे, अभी अभी आपने पढ़ा है, आप इसको ट्रू कर सकते हैं। एट द थर्ड, ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, वह लोगों को फ्री में सजेशन दिया करता था या पैसा लेता था, फ्री में दिया करता था, ट्रू करेंगे। फोर्थ नंबर, मिस्टर विलियमसन वाज एट हिज होम। यस ऑफ कोर्स, वो अपने वो घर पर ही थे लेकिन झूठ बोलते थे कि मैं घर पर नहीं हूं। एट द फाइव, पीपल लिसन टू जीन ग्लैडली फॉर ही वाज एन इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। नहीं, फॉल्स, जीन को कोई भी आदमी अच्छे से नहीं सुनता, राइट? ये आपका ट्रू फॉल्स फिनिश हो गया। इसके आगे बनेंगे माय डियर, इसके आगे बनेंगे लिखा, माय फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट doesn't stop me from trying again. I go to collect from Mrs. Greeny. I have to call her Miss Green because if I call her Mrs., she says she doesn't have any change to pay me. अब ये इस पैराग्राफ में जीम जो है वो राइटर वो कहते हैं कि लोग जब उनकी बातों को दोबारा उन्हीं के ऊपर फेंक देते थे तब उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं होता था, बताते हैं उनके फीलिंग्स को कोई भी हार्ट होता, लेकिन फिर भी वो अपने काम को नहीं रोके, वो लगातार अपने काम पे अग्रसर रहे, लोगों को उपदेश देना उन्होंने छोड़ा। अब ये राइटर विलियमसन के बाद ग्रीन के पास पहुंचेंगे, ये हाँ देख सकते हैं सेकेंड सब कैरेक्टर है मिसेज ग्रीन, जहाँ राइटर जाते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, एंड देयर ही सेज ही कॉल मिस ग्रीनी। वो कह रहे हैं कि मैं मिस ग्रीनी को मिस ग्रीनी ही बुलाता था, अगर मैं मिस ग्रीनी के बजाय उन्हें मिसेज बुला देती तो वो कहती कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं, इसलिए राइटर को मिस ग्रीनी बुलाना पड़ता था। याद रखेंगे मिस ग्रीनी बुलाने के बाद ही उनको पैसा मिलता था, अगर उसके जगह पे मिसेज बुला देते थे तो उनको पैसे नहीं मिलते थे। किस बात के पैसे? पेपर बांटने के पैसे। ओके, सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट ऑफ फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, सी गोज अवे ऑन वीकेंड एंड सैटरडे एंड संडे, वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज ऑन आवर लॉन, बट I don't say anything about it. I just look at the garbage. तब ये कहा जा रहा है? In the words of the writer,
कह रहे हैं कि अब जब मिसेस ग्रीनी के पास वो पहुंचे तो बताते हैं कि मिसेस ग्रीनी जो थी अपने सारे गार्बेज को वीकली पिकअप करती थी। वीकली पिकअप मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जितना भी गार्बेज हुआ करता था वो एक पॉलीथीन बैग में डालकर जमा करके रखती थी, और जब सैटरडे को संडे को वीकेंड में उन्हें कहीं जाना होता था तो उस गार्बेज बिन को उठाकर अपने बरामदे में अपने लॉन में डाल देते थे और वहाँ से पिकअप करने वाले गार्बेज पिकअप करने वाले आते और उसको पिकअप करके चले जाते। ओके, सैटरडे और संडे को गार्बेज पिकअप करने का काम होता था। एट देयर वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक बैग। बताते हैं कि पूरे वीक का जितना भी कचरा कूड़ा होगा करता था गार्बेज वो सारा एक बड़े से प्लास्टिक बैग में डाल दिया जाता था उनके लॉन में। लेकिन राइटर कहते हैं कि उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं वहाँ जाता और उस गार्बेज बैग को आसानी से उठाता और उसे कहीं डंप कर देता या अपने यहाँ ले जाकर कंपोज करता। She says to me, "Go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. Put it in one of the plastic bag and didn't any. Buddy, it teach you not to litter." अब ये जो लाइन है ये इस लाइन में मिसेज ग्रीनी कह रही है राइटर से, मिसेज ग्रीनी कह रही है राइटर से कि जाओ और गम रैपर को उठा लाओ जिसको तुमने फेंका है उसे एक प्लास्टिक में भरो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि गंदगी इधर उधर नहीं फैलाते। अब यहाँ ये जो गम रैपर है आप देख सकते हैं इससे इसे दो मीनिंग निकाल सकते हैं। गम रैपर मतलब एक जो चिपकाने वाला ग्लू आता है उसका बॉटल फेंक दिया होगा उसे उठाकर लाने को कह रहे हैं, या फिर जो च्युइंगम हम खाते हैं चिंगम खा रही है और उसको रैपर को थ्रीम कर दिए हो सकता है उसका नहीं क्योंकि दो दोनों बात ये हो सकती है। उसको लाते हैं और प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं और फिर क्वेश्चन किया जाता है उनसे कि क्या आपको किसी ने पकाया नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि लिटर इधर उधर नहीं फेंकते। आगे बढ़ेंगे। डियर आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग देन शी सेज And there is a law in this town about keeping dogs on a leash. और ये जो राइटर हैं वो कह रही हैं वहाँ की मिसेज ग्रीने की बात को सुनकर उनको गुस्सा आ गया लेकिन फिर भी अपने बैड टेम्पर को अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा, होल्ड करके रखा और होल्ड करने के बाद गए और अपने द्वारा फेंके गए गम रैपर को उठाया और एक बैग में डाल दिया। तब मिसेस ग्रीनी कहती है कि there is a law in this town about keeping dogs on a leash। कह रहे कि हमारे शहर में एक कानून है, एक नियम है कि एक कुत्ते को एक डॉग को पट्टे से बांध कर गले में पट्टा से कुत्ते को दरवाजे पर बांध करके रखते हैं, उसे खुला नहीं छोड़ते कि इधर उधर भटकता रहे। अब ये जो डॉग था ये किसका डॉग है आगे पढ़ेंगे। वो डॉग जीम का है। किसका है? जीम का। सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस द डॉग टेक्स अप माय गार्डन एंड मैसेज अप माय यार्ड एंड लास्ट वीक मिसेस विलियम फाउंड इट टियर ओपन ऑन माय गार्बेज बैग। मिसेस ग्रीनी अब इस लड़के को जीम को डांट फटकार लगा रही है किंतु जो वहां का जो डॉगी है वो क्या करता है हमारे प्लेस में इधर उधर दौड़ता रहता है। इवन दौड़ने के बाद वो हमारे गार्डन को खोद डालता है, इवन गंदा भी कर देता है, लिटर को इधर उधर फैला देता है। इवन माई गार्बेज बिन दैट आर पुटिंग इनसाइड माय लॉन विद अ बिग प्लास्टिक बैग हैज आल्सो लिटर्ड बाय द डॉग। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो डॉग है वो मेरे प्लास्टिक बैग को गार्बेज बैग को फाड़ देता है और उसकी गंदगी को इधर उधर पूरे गार्डन में फैला देता है। दैट इज व्हाई यू शुड टाई योर डॉग। तुम्हारे डॉग को बांध के रखना चाहिए। वेल आई सी बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू डू सॉरी गो विद इट देन आई सी शी इज पाइंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर डॉग। अब राइटर साहब उसकी बात को सुन रहे हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता। आई से बट आई कांट थिंक मैं ऐसा नहीं सोचता कि हमारे डॉग को बांध के रखना चाहिए।
उसे भी घूमने की आजादी होनी चाहिए, उसे भी कुछ करने की आजादी होनी चाहिए, उसे भी कहीं भी जाने की आजादी होनी चाहिए। देन आफ्टर राइटर देखते हैं कि मिसेज जो ग्रीनी है सी इज पाइलिंग द न्यूज़पेपर, मतलब पुराने न्यूज़पेपर को बांधा जा रहा है और बांध कर एक गार्बेज में उसको डाल दिया जा रहा है गार्बेज में। अब उस एक्शन को देखकर राइटर या जीन क्या बोलेंगे देखते हैं, क्या बोलते हैं, कह रहे हैं लिसन मिसेस ग्रीन आई से सेव दोस पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड देन दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर सेव अलूमिनियम कैंस टू। अब इस पैराग्राफ में फिर से ये जो राइटर है जीन वो मिसेस ग्रीनी को उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपको पुराने पेपर को कंपोस्ट नहीं करना चाहिए, उसको एक जगह एकत्रित करना चाहिए और जैसे ही स्कूल का वैन आएगा पेपर कलेक्ट कर ले आपको उसमें डाल देना चाहिए जिससे पुराने पेपर को रिसाइकल करके नया पेपर बना सके और उसका फिर से रीयूज हो सके। इवन पेपर के अलावा अल्मीनियम के जो आप डस्टबिन में डाल रहे हैं इट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल फॉर द नेक्स्ट यूज। अब ये सारा उपदेश देने के बाद क्या मिसेस ग्रीनी उनकी बात को मानेगी देखते हैं आगे। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क्ड व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक्ड देम अप बट यू नेवर शोड अप। अब इस लाइन में मिसेस ग्रीनी कह रहे कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो मैंने पहले ही देखा कि लास्ट टाइम स्कूल का वैन आया और तुमने पिकअप भी किया और उसको कंपोस्ट भी किया, मतलब व्यंग छेड़ रहे हैं व्यंग। मिसेस ग्रीनी राइटर के ऊपर व्यंग छेड़ रही है, व्यंग छेड़ना मतलब समझ रहे ना, खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना, मतलब लास्ट टाइम वो जीन स्कूल वैन लेकर गार्बेज बिन को पिकअप करने नहीं आया और इसी बात को कह रहे हैं कि तुम कभी दिखे नहीं, यू नेवर शोड अप, इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे इन अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत आसान काम है इसे फेंक देना, पेपर को केस को कचरे को फेंक देना बहुत आसान काम है, उसे लंबे समय तक अपने मेस में रखने से अच्छा है कि उसे फेंक दिया। I get tired of trying to get Mrs. Green to do something about it because I go to Mrs. Johnson's house and he makes a run for his car but I can run faster than him. अब ये Mrs. Green को उपदेश देते देते बेचारे राइटर थक गए और वहाँ से चले गए और वहाँ से जाने के बाद अब थर्ड सब कैरेक्टर आता है लेसन में जिसे आप Mrs. Johnson के रूप में जान सकते हैं, थर्ड सब कैरेक्टर इस लेसन में। इसके बाद सॉरी मिसेज ग्रीनी के बाद मिसेज जॉनसन के पास राइटर जाते हैं और वहां जब जाते हैं तो राइटर देखते पाते हैं क्या कि जॉनसन अपने कार की तरफ दौड़ता हुआ